आज मैं लाया हूँ रिव्यू RS 200 BS7। लेटेस्ट है ये, अभी अराउंड 2 ही महीने हुए हैं इसको। आज मैं रिव्यू लाया हूँ इसका, एक मतलब सोचा काफ़ी लेटेस्ट है बाइक BS7 एंड रेड कलर प्लस ब्लैक में ये आ रही है। मेरा नाम है मनी एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल V4 Dude। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी लुक्स से, क्योंकि सबसे मेन बात तो यही रहती है कि लुक्स कैसी है बाइक की, एंड सेकंड नंबर पे पावर आ जाती है। तो पहले हम लुक की बात कर लेते हैं। लुक इस बाइक की आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। LED सब कुछ ही LED मिल रहा है। लाइट्स इसमें आपको मिल जाते हैं हेलोजन एंड बाकी इधर DRLs मिल जाते हैं। अभी नंबर भी नहीं आया, इतनी नई है बाइक। एंड मिरर्स इन्होंने फोल्ड किए हुए हैं कार्बन फिनिश के साथ। यहाँ पे मडगार्ड मिल जाता है एंड टायर 110 एंड 130 या 140 है अराउंड, पीछे 140 हो सकता था, 130 है ये। एंड काफ़ी बल्की लुक है और काफ़ी पुरानी लुक है और काफ़ी टाइम से चली आ रही है स्टिल। मतलब सेल्स में कोई घाटा नहीं पड़ रहा है, इसलिए बजाज वाले कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अभी चेंजेस क्या आए हैं, थोड़ा सा ये LED आ चुका है एंड ब्रेक्स तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है इसकी। एंड पीछे से मैं इसकी लुक दिखा देता हूँ आपको। एंड थोड़ा यूनिक से स्टाइल की इसकी TLTD है, मतलब ऐसी नहीं आती हर जगह पे, लाइट होती है औरों की यहाँ पे, बट इसकी थोड़ी रेयर है लुक, मैं कह सकता हूँ है भी है। एंड ये सीट मिल जाती है पीछे, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है ये। एंड ये जो है पकड़ने के लिए है और ये काफ़ी सॉलिड है, R15 की तरह नहीं है, वो टूट जाते हैं। एंड एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है। मैं बात करूँ तो 200cc में सबसे बेस्ट नोट एग्जॉस्ट नोट जो आता है वो NS 200 एंड RS 200 की तरफ से आता है। तो पहले एग्जॉस्ट नोट ही सुनाया जाए। स्टैंड की पोजीशन, सो पहले आइडल पे आप इसकी साउंड सुन सकते हो, इसको जाने दो। एंड अभी आप सुन सकते हो ऐसी कुछ साउंड आ रही है इसकी। और अभी मैं रेव करूँगा इसको हाईली, तो देखना काफ़ी अच्छी साउंड आएगी। एंड वाइब्रेशन थोड़ी सी साउंड आ रही है पीछे से। ऑल दो मैं लाइट्स दिखा देता हूँ कैसी लगती है इसकी, अभी रात नहीं है बट कोई नहीं, अच्छी लगेगी ये भी देखने में। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी लुक्स। एंड अभी लाइट नहीं, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्टर इसका जल रहा है और ये DRL से दोनों जल रहे हैं, और हाई बीम में क्या होगा, राइट वाला भी जलेगा ये। इसमें क्या है कि थोड़ी सी ज़्यादा ये ज़्यादा बीम देता है और ये थोड़ा सा लो विजन वाला है, बट कोई बात नहीं, अच्छे हैं दोनों ही। अभी इसकी डिजिटल कंसोल, डिजिटल प्लस एनालॉग की तरफ आ जाते हैं और मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो जैसे ही आप ऑन करोगे ये RPM, काफ़ी ये चीज़ तो सबसे बेस्ट लगती है मुझे, RPM वाली तो ये होनी ही चाहिए। एंड गियर वाली लाइट मिल जाती है, बैटरी मिल जाती है, बाकी नॉर्मल सब कुछ मिल जाता है। एंड इसमें न्यू टाइम भी ऐड हो चुका है और गियर इंडिकेटर भी आ चुका है। एंड बाइक जस्ट अभी चली है 1121 एंड ABS डुअल ABS के साथ आ रही है। बाकी थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन है, RPM लिमिटर वगैरह मिल जाते हैं एंड ये कार्बन फिनिश मिल जा रही है हमें। एंड बाकी कंफर्टेबल पोस्चर जो RS को सबसे अच्छा बनाता है और एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक भी बना देता है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू RC 200 एंड R15। एंड अगर मैं किसी और बाइक से कंपेयर करूँ जो फुली फेयर्ड है, तो ये काफ़ी उनमें कंफर्टेबल है। पावर की बात कर लेते हैं बाइक की, 25 Nm टॉर्क आपको मिल रहा है। एंड जो टॉप स्पीड इस बाइक की अभी तक देखी है मैंने, वो 150-155 तक जा रही है। BS3 जो हुआ करती थी वो 170 तक भी टच होती है, क्योंकि उसमें RPM लिमिटर वगैरह का कुछ नहीं था, बट ड्यू टू एमिशन नॉर्म्स वगैरह सब कुछ करके इसमें चीज़ें ऐड ऑन हुई, तो उसकी वजह से पावर को कम करना पड़ा। अभी थोड़ी सी इसकी एक छोटी सी राइड लेते हैं और फिर इसको यहीं लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा पावर का भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे बाइक चल रही है। क्लच काफ़ी नीचे रखा है भाई ने। तो थोड़ा राइड दिखा दें हम इसकी। एंड काफ़ी स्मूथ है, अभी न्यू है बाइक, बट असली पता तो जब बाइक 10-20 हज़ार चल जाती है तब पता लगता है। तो चलो एक
ये जो टॉर्क इसमें मिलता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, R15 में सब लोग मिस करते होंगे। बेशक उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, बट जो ये भागती है ना, मतलब शुरू से ये चीज़ भाई साहब इतना पावरफुल फील होती है ना ये बाइक, मतलब R15 में क्या हाई RPM पे ही आपको स्पीड जो अच्छी मिलने वाली है, बट इसमें ऐसा नहीं है। साउंड देख सकते हो कितनी प्यारी साउंड आ रही है यार भगाने पे, मज़ा आ जा रहा है एकदम से। तो यहाँ से घूमते हैं एंड फिर अपनी स्पॉट पे जाते हैं और एक फाइनल बताते हैं आपको। पतला है उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज है, और तो बाइक काफ़ी अच्छी है भागने में। शिफ्टर हैंडमेड मैनुअल, तो अभी आपने देखा कि क्या मस्त भाग रही है टॉर्क, मतलब ये इसी चीज़ के लिए जानी जाती है, अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे तगड़ी है। मैं मतलब कोई भी बाइक इसके नज़दीक नहीं है। R15 इससे थोड़ी सी कॉस्टली है, बट स्टिल ऐसी पावर के साथ वो नहीं आती है, हाई RPM में ही वो पावर मिल जाती है। बट इसमें क्या है, अगर आपने धीरे चलानी है तब भी पावर अच्छे से महसूस होगी, मिड में भी एंड टॉप पर भी। तो यही कारण है कि ये अभी तक बिक रही है, मतलब इतना पुराना, मतलब अगर इसका डिज़ाइन देखें तो काफ़ी पुराना है, अराउंड 2012 और 2013 से चला आ रहा है, स्टिल सेल्स काफ़ी अप जा रही है। और बजाज वाले भी तभी इसमें कुछ न्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हैं, ग्राफिक्स एंड कलर्स, दैट्स इट। और बोल तो रहे हैं कि न्यू RS 200 आएगा, बट उसकी अभी कोई शॉर्ट ही नहीं है, बजाज की तरफ से भी कुछ नहीं बताया गया है। तो ऑनर ऑफ RS 200 कैसे हो आप, क्या नाम है? प्रियांशु। तो प्रियांशु की ये बाइक है, एंड प्रियांशु के प्रियांशु के इंस्टा को भी फॉलो करें, क्या नाम है? प्रियांशु ही है। तो मैं मतलब ऐड कर दूंगा कि कौन है ओनर। एंड कितने की पड़ी आपको बाइक? 2.10 की। और देख सकते हो आप 2.10 में ये पड़ रही है, एंड अदर हैंड R15 225 और बाकी KTM में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आगे हो जाएगा। तो अभी तक 200cc में सबसे बेस्ट बाइक यही है, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है अगर हम इसके और जो कंपटीशन में उनसे कंपैरिजन करें। 210 में अभी पड़ रही है, जस्ट ये लेटेस्ट प्राइस है, ये हिमाचल का प्राइस है, सोलन शिमला में सेम ही प्राइस है। तो सिटी पे वेरी कर सकता है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। कैसी लगी RS 200? सभी को वैसे पसंद ही आती है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। ये था मेरा आज का व्लॉग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसी वीडियोस आप देखना चाहोगे और YouTube पे। एंड प्रियांशु भाई के इंस्टा को फॉलो करें, और YouTube भाई ने बनाया है तो अगर भाई बनाते हैं तो भाई के उसको करना ओके चलो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट व्लॉग।